सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे और मैं हूँ आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एक आईटी सेक्टर का एक महारथी शेयर जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर। तो मैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बता रहा हूँ जो एक टेक्निकल चार्ट्स में भी बहुत स्ट्रांग है और अपने फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। ये एक स्टॉक है जो ज़्यादातर कोई जानता नहीं है, ना कोई ज़्यादा इसमें ट्रेड करने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अगर मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके बारे में बताऊं तो, पर ये एक माइंड ट्री जो एक स्टॉक है जो हम बात करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर आईटी सेक्टर के अंदर बहुत कोई न्यूज़ आती है तो वो एक स्टॉक होता है जो आउट परफॉर्म करता है और चार्ट्स में बहुत अच्छा लेवल्स में ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में जो स्टॉक आता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और ये हल्के हल्के मोमेंटम देके ऊपर जा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले सालों का मल्टीबैगर भी बन सकता है। तो ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी सब आप जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे। एक बहुत अच्छी आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर ये कंपनी है और ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। ये प्रोडक्ट रिसर्च करती है और उसको डेवलप करती है। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी वर्क करती है। अगर हम बात करें तो एयरोस्पेस में वर्क करती है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटरटेनमेंट, एफएमसीजी, टेलीकॉम, बहुत सी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें इसका रोल है। और अगर मैं आपको एक इस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बात बताऊं तो आप सब जानते होंगे टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें $69 बिलियन यूएस डॉलर्स का पार्ट है टाटा एलेक्सी के पास, टाटा ग्रुप का। तो बहुत अच्छी बात है टाटा एलेक्सी के लिए, इसका अच्छा खासा टाटा ग्रुप का इसका पार्ट है। तो ये कंपनी है जो हमें आने वाले सालों में अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी का काम क्या है तो ये एक प्रोडक्ट रिसर्च करती है किसी प्रोडक्ट्स को और उसको फिर डेवलप करती है। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके क्लाइंट्स की बात करें आईटी सेक्टर के अंदर या इस सेक्टर बेसिस के अंदर ही, तो हम कह सकते हैं कि कैनन, एआरएम, सैमसंग, फिलिप्स, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके ये क्लाइंट्स हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो अदर सेक्टर या अदर इंडस्ट्रीज़ में डील करती है उसके भी बहुत अच्छे क्लाइंट्स बने हुए हैं। वर्लपूल, यूबी ग्रुप सब हम जानते ही हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है। एचयूएल, कैडबरी, आईटीसी, बहुत से ऐसे ऐसे इसके क्लाइंट्स हैं जिसको ये प्रोवाइड कराती है। तो ये एक कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी डेवलप करती है 3D 2D एनिमेशंस को डेवलप करती है, गेमिंग सर्विस को डेवलप करती है, विजुअल इफेक्ट्स को डेवलप करती है। बहुत सी अच्छी कंपनी है ये जो डेवलप करती है। और इसको 53 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं इस कंपनी को। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में जाने और, तो इसने कंपनी ने एक MOU साइन करा है ओपन इंजीनियरिंग से। ओपन इंजीनियरिंग एक रिसर्च डेवलपमेंट सब्सिडियरी है बेल्जियम हेडक्वार्टर्स की, जो एक यूरोप में वो है स्टेबलाइज्ड है। तो इस कंपनी ने इसके साथ MOU साइन करा और ये कह रही है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये एक ईजी बट बहुत पावरफुल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स बनाएगी और रिसर्च सेंटर्स बनाएगी साथ में मिलके। तो ये कंपनी के लिए आने वाले सालों के लिए अंदर बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और अगर हम चार्ट्स की बात करें, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ, अभी आपको मैं इस अगले में दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपको नियर टर्म के लिए से बाय करना है तो क्या ये नियर टर्म के लिए, हम दो चीज़ों को देखते हैं, टेक्निकल्स और क्वार्टरली अर्निंग्स को। तो क्वार्टरली अर्निंग्स भी आपको मैं अगले इस वीडियो में आने वाले वीडियो में बताऊंगा। अगर हम देखें तो क्वार्टरली अर्निंग्स भी बहुत अच्छा है और इसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये अपना इंटरेस्ट है वो कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ कर रही है और अब ये निल हो गई है। इसका कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है और जिसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत अच्छा है, अभी तक का हाईएस्ट है। टेक्निकल्स की बात करें तो 5th अप्रैल को जो इसके टेक्निकल ट्रेंड्स थे वो बुलिश से माइंडली बुलिश हो गए थे और 1021 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी अराउंड 1070 में ट्रेड कर रहा है और 1021 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मूविंग एवरेजेस की बात करें, डेली मूविंग एवरेज में भी ये 1021 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने बिल्ड करा है और उसको शायद नहीं तोड़ पाएगी। और अगर हम मेकेट, जो एक बहुत बढ़िया वीकली इंडिकेटर है, हम इसको वीकली ट्रेंड में भी देखें तो बियर से ये बुलिश में आ चुका है और अब ये अच्छे खासे मोमेंटम में जा सकता है।
एक महीना भी नहीं हुआ होगा इस स्टॉक को और इसने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए से होल्ड करना चाहते हैं तो हम क्वालिटी देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये इसके वैल्यूएशन देखे तो बहुत अच्छे वैल्यूएशन है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में ये डील कर रही है। क्वालिटी इस कंपनी की बहुत अच्छी है, अपने जो क्वालिटी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस में इस कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और 178 कंपनीज हैं लिस्टेड आईटी सॉफ्टवेयर की, जिसमें से ये रैंक करती है 15th में, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अभी जो इसका करंट स्टॉक का प्राइस है और जो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बेसिस में हम कह सकते हैं अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। अब हम देख रहे हैं कि कल इन्फोसिस का रिजल्ट आया और अच्छा रिजल्ट आया है, और अब हम देख रहे हैं कि आगने वाले टाइम में टाटा एलेक्सी के भी रिजल्ट आ रहे हैं, और अब हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इस कंपनी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो इस कंपनी को आप जरूर देखिए, वॉच लिस्ट में हमने जरूर रखी है। अगर हम बात करें इसके पीयर्स के रिटर्न कंपैरिजन में, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इसके पीयर्स दिख रहे होंगे जो इस आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर डील करते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो टाटा एलेक्सी ने सबसे डेली से लेकर ईयरली तक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आपको ऊपर शो कर रहा होगा माइंडट्री का, पर माइंडट्री में अगर हम बात करें वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं, और टाटा एलेक्सी एक ऐसी अपनी कंपनी है अपने पीयर्स में जिसके वैल्यूएशंस बिल्कुल अट्रैक्टिव हैं। तो अब इस कंपनी को वॉच जरूर करिए, इसको आप पॉज करके आप देख भी सकते हैं रिटर्न्स किसके सबसे अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो एक शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। सबसे ज़्यादा जो इसके हाईएस्ट होल्डिंग है वो टाटा सन्स लिमिटेड के पास है 42.22% की, और जो पब्लिक शेयर होल्डर है इसका वो जेपी मॉर्गन फंड्स है। तो ये आप खुद ही पहचान पाएंगे कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। प्रोमोटर्स के पास इसकी 44.57% की होल्डिंग है, और आप देख ही पा रहे हैं इसका जो प्रोमोटर है टाटा सन्स ही है, तो ये एक अच्छी बात है इस टाटा एलेक्सी ग्रुप के लिए। तो अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जैसे अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए जानना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 17 का आपको यहाँ पर क्वार्टरली शो कर रहा है। तो इसने अच्छे खासे 11% का इसने नेट सेल इंक्रीज करा है एक क्वार्टर के अंदर ही, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनकम है वो भी 11 से 11.5% इंक्रीज हुई है, चेंज हुई है। आप देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, डेब्ट फ्री कंपनी है, और नेट प्रॉफिट भी इसका 10% इंक्रीज करा है क्वार्टरली बेसिस में। तो ये एक कंपनी क्वार्टरली बेसिस में तो आपको देख ही रही है कि बहुत अच्छी कंपनी है। एनुअली की बात करें तो एनुअली में भी इसने 15% का रिटर्न इसने इंक्रीज दिया अपने नेट सेल्स में, आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही। नेट प्रॉफिट में भी इसने 12% का इंक्रीज दिया, इंटरेस्ट तो कुछ है नहीं। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में इसने अपना जो इंटरेस्ट है वो मार्च 17 में इसने इंक्रीज कर दिया था, पर अब अगर हम बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल निल हो गया है, और अच्छे खासे इंटरेस्ट जो इसका पिछले 2 सालों में था अब वो निल आ चुका है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 12% इंक्रीज कर चुका है ये। तो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कोई भी बोरिंग्स नहीं है, कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ नहीं है, फिक्स्ड एसेट्स इनकी कंसिस्टेंट है, और करंट एसेट्स इन्होंने 38% या 39% से इंक्रीज़ कर ली है। तो इसके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है, बोरिंग्स इनकी निल है, तो आप समझ सकते हैं इनके पास कैश कितना होगा और वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव हो सकते हैं। कैश फ्लो की बात करें तो इसने मार्च 2016 में इसका जो कैश था 121 करोड़ का था, और अब मार्च 17 में इसका 141.4 करोड़ का हो सकता है हो चुका है। 20% का चेंज दिया आने वाले 1 साल के अंदर इसने। अब नीचे आपको ग्राफ शो कर रहा होगा, आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ से 6 साल पहले या 5 साल पहले इसका जो 36 करोड़ का कैश फ्लो था अब यहाँ पर हो चुका है 144 करोड़ का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वैल्यूएशंस की बात करें तो आपको यहाँ पर वैल्यूएशन का आपको एक स्नैपशॉट दिख ही रहा होगा। वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जो थी इसकी 610 के आसपास थी, 1100 तक ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कहलाई जाएगी। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ये तभी होगी जब ये 1800 के पार निकलेगी, तब तक 1800 के पार निकलने के लिए इसको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनी है, इसको वॉच जरूर करिए। जैसा कि मैंने आपको अपने कहा था कि मैं आपको एक TCS जो बड़ी IT सेक्टर सॉफ्टवेयर IT सेक्टर कंपनी है उससे कंपेयर करूँगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो TCS में 73% है और इसमें 44% है। पर प्रमोटर होल्डिंग से कुछ नहीं होता है, आप देख सकते हैं कि शेयर्स प्लेज नहीं होने चाहिए। शेयर्स प्लेज होने का मतलब मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ और अभी भी बता देता हूँ कि जो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं कोई भी कंपनी के शेयर्स को वो उधार में या गिरवी रख देते हैं शेयर्स को, उसे हम कहते हैं प्लेज शेयर्स।
तो उसमें आप देख सकते हैं टीसीएस ने 3% के अपने होल्डिंग्स को प्लेज करके रखा हुआ है, तो ये एक टीसीएस के लिए अच्छी बात नहीं है और दिग्गज कंपनी से ये एक बहुत अच्छी कंपनी हो सकती है। एफआईएस की बात करें तो 10% एफआईएस में होल्ड करके रखते हैं, टीसीएस 16% होल्ड करके रखती है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हम सब जानती हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक बहुत सोच समझदारी से अपने फंड्स को या अपने स्टॉक्स को सिलेक्ट करती है और उन्होंने अपने 5% का इसमें स्टेक ले रखा है, तो ये कि बहुत बड़ी बात है हमें कह सकते हैं। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आप देख सकते हैं 40% का इसमें स्टेक लेकर रखते हैं, तो ये एक कंपनी है जो हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, तो इस कंपनी को आप वॉच करके ज़रूर रखिए। तो अगर आपको ये कंपनी पसंद आई है तो आप अपने होल्डिंग्स में से रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में से जगह दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है आईटी सेक्टर के ऊपर तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन पा पाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग भी जान पाए कि टाटा इलेक्सी एक बहुत अच्छी कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर, टीसीएस के बाद या टीसीएस से आगे भी है ये आईटी सेक्टर के अंदर, तो इस कंपनी को वॉच करने की सलाह दी जाएगी। और इस वीडियो को शेयर करिए कि लोग भी जान पाए कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी कंपनी है ये। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।